हेलो, आइए आइए सर, आइए 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 सर, आइए आइए डैडी, हेलो, आइए मैम, आइए आइए, आ जाओ बेटा, नमस्ते, प्लीज बी सीटेड, बैठे बैठे, थैंक यू, प्लीज प्लीज बैठो, प्लीज हैव इट। मैडम ये है ओबेरॉन सन्स के मालिक और शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर यश ओबेरॉन। नमस्ते। हेलो 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 हेलो। और ये है इनकी धर्मपत्नी मिसेस अवंतिका ओबेरॉन। हेलो हेलो। और ये इनकी बेटी। व्हाट्स योर नेम? तानिया। नाइस नेम। और ये है चाचा जी। इनके चाचा जी के भाई यानी इनके पिताजी। अरे ते उनको बोलो। हाँ, इनके चाचा जी के भाई यानी इनके पिताजी। आई सी। यस, आई सी ओबेरॉय। ईश्वर चंद्र चंद्रकांत ओबेरॉय। हेलो। हेलो सर। डैडी ये आपको हेलो बोल रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है ना, मेरे डैडी थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। अच्छा। एंड माई सेल्फ वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल का भाई आई एम छत्रीवाला। वैसे आप ये भाई के जरिए इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं? मैं अपने बड़े भाई साहब से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बड़े पत्रकार है वो, तो उनके मान में मैं सबका इंट्रोडक्शन उनके भाई के थ्रू ही देता हूँ। वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे ही इज माय सेक्रेटरी। दरअसल बात यह है कि मेरे डैडी हमेशा विदेश में टूर करते रहते हैं, और लेकिन अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं वो। आज जब पता चला कि उसका एडमिशन होने वाला है तो वो खुद देखने आए कि स्कूल कैसा है। So, where do you stay? Huh? I mean, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, घर में। What? हम सब गोकुलधाम में रहते हैं। आप सब मतलब? मतलब गोकुलधाम सर के बंगलो का नाम है, और सर का बंगलो इतना बड़ा है कि हमारी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं ना, सारे वर्कर एम्प्लॉय सबके लिए सर ने अपने बंगलों में जगह रखी है, अलग अलग विंग बनाए हैं। मैं सी विंग में रहता हूँ। मतलब हमारा पता है गोकुलधाम विला। गोकुलधाम, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। हाँ सुना ही होगा ना, बहुत फेमस बंगला है हमारा गोरेगांव में। अच्छा। वैसे हम लोगों ने भी आपके स्कूल का बहुत नाम सुना है। थैंक यू। हमारा स्कूल मुंबई शहर का सबसे फेमस स्कूल है। या वी नो। हाँ वैसे अच्छी बिल्डिंग तो सभी बना लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट एजुकेशन? सर हमारी स्कूल उत्तम शिक्षा के लिए जानी जाती है। अच्छा। बोर्ड एग्जाम में हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आता है सर। वैसे हमारी स्कूल से कई नामी डॉक्टर्स, इंजीनियर और वकील निकले हैं। वैसे हमारी बेटी तानिया भी डॉक्टर बनना चाहती है, पढ़ाई में बहुत अव्वल है वो। या शी इज क्वाइट टैलेंटेड। एक्चुअली क्या है कि जिस स्कूल में ये पहले पढ़ती थी ना, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वर नॉट सो गुड, लाइक इजंट इट? हाँ एक्चुअली यू नो वहाँ पे सभी प्रकार के लोगों के बच्चे आते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। अच्छा। यार सर के हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के घरों से आते हैं सर। इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बड़े घर के बच्चे ही आते हैं सर। हाँ देखिए ना, अभी कल ही वो फेमस बिल्डर आर के बत्रा, उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया हमारे स्कूल में। बड़े घर के बच्चों को एडमिशन देना ही हमारा क्राइटेरिया है। क्या कहा?
सर मैंने कहा कि बड़े घर के बच्चे को एडमिशन देना ही हमारे स्कूल का क्राइटेरिया है सर। बस यही सुनना चाहते थे हम। मतलब यही सुनना चाहते थे आपसे कि आप सिर्फ बड़े घर के बच्चों को एडमिशन देते हैं सर। सुना? जी मिडिल क्लास के बच्चों को एडमिशन हम देते ही नहीं सर। यू नो स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है सर। अच्छा अच्छा एडमिशन नहीं मिलता छोटे लोगों को यहाँ पे। आज एक को एडमिशन दिया ना तो कल हमारे स्कूल के बाहर छोटे लोगों की लाइन लग जाएगी। जाएगी? कहाँ जाएगी? मेरी पोती सानिया कहीं नहीं जाएगी। नहीं नहीं डैडी वो जाएगी नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एडमिशन मिल जाएगा, सानिया को एडमिशन मिल जाएगा। हाँ डैडी जी एडमिशन मिल जाएगा, डोंट वरी, सिट डाउन। माशाल्लाह बैठ जाइए आप डैडी, आप बैठिए। यू नो सर हमारे स्कूल के टीचर स्टाफ स्मार्ट और हाईली एजुकेटेड हैं। हमारी स्कूल में आने वाले हर माँ बाप की भावनाओं की हम कदर करते हैं। Oh, really? और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है और यही शिक्षा हम हमारे स्कूल के बच्चों को देते हैं। अच्छा क्या ठीक ठीक है बड़े सेठ को। अच्छा अच्छा ऐसी छींक? बड़े आदमी है, बड़े आदमी की छींक भी अलग होती है। वैसे एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ 35 बच्चे होते हैं एक क्लास में और 2 टीचर होती है एक क्लास में। अच्छा वैसे यू डोंट वरी, आपकी तानिया को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हम हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। ओ, सर मेरे ख्याल से ये स्कूल तानिया बेबी के लिए बेस्ट रहेगा। नजदीक से तानिया को पहचान लिया तो didn't think about it. ये बात सब था। ये लो बेटा। लो। ले लो बेटा, ले लो। ये लोग दे रहे हैं। Yes. मैंने जब इसे देखा ना तभी मुझे पता चल गया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। ओह अच्छा। हाँ स्मार्ट। अरे हम तो बच्चों को एक बार देखते हैं ना तभी पता चल जाता है कि ये कितने स्मार्ट है। That's right. Well, बेटा, tell me one thing. हमारे भारत देश में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज। करेक्ट। हमने इसे पहचान लिया। आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। इसे तो हमारे स्कूल में एडमिशन देना ही चाहिए। सुना सुना सर क्या कह रहे हैं? अरे भैया एडमिशन लेने ही आए हैं। यस यस। इसे अगर हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया तो आपके साथ साथ हमारे स्कूल का नाम भी रोशन होगा। सच्चे टैलेंट की परख है हमें। अच्छा टैलेंट की परख है आपको? जवाब दे। ये मुझे कह रहे हैं जवाब दे। जब जवाब दे रहा हूँ इनसे बात हो गई है, तान्या बेटी का एडमिशन हो जाएगा। हाँ हाँ
अरे लेकिन कब होगा? अभी। बस यूँ समझ लो कि आपकी बेटी को एडमिशन मिल गया। ओहो। बस आप दोनों मम्मी डैडी इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। मम्मी डैडी की साइन? जी। हम लोग अभी बुलाते हैं इसके ओरिजिनल मम्मी डैडी को। जी। तो क्या आप दोनों तानिया के मम्मी डैडी नहीं हैं? जी नहीं। क्या? लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि आप इसके माँ बाप हैं। आप हम ही कह रहे हैं कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर ओबेरॉय? मैं यश ओबेरॉय नहीं हूँ और ना ही मैं किसी इंडस्ट्री का मालिक हूँ। मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये मेरी पत्नी माधवी। नमस्कार। और मैं इनका सेक्रेटरी नहीं हूँ, ना ही पत्रकार पोपटलाल का भाई हूँ। मैं खुद गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। और मैं हूँ चंपकलाल झंटीलाल गड़ा, इन सबका चाचा जी। आपको सब सुनाई देता है? सब साफ साफ सुनाई देता है, बहरा नहीं हूँ मैं। व्हाट व्हाट? अरे ये सब क्या हो रहा है? तो तानिया के असली माँ बाप कौन है? पता चल जाएगा आपको। अभी बुलाते हैं। सुड़ी। ओए पापा जी, ओए पापा जी। आइए। चेहरे बगा। ओ गणपत बाबू, ओ घबराओ मत, आओ मेरे साथ। आइए आइए। आप लोग? हाँ, यही कल आए थे ना आपके पास अपनी बेटी तानिया, नहीं नहीं तन्वी का एडमिशन करने के लिए। इनकी बच्ची है? हाँ? इन्हें तो कल आपने निकाल दिया था ये कहकर के एडमिशन फुल हो चुका है, लेकिन आज क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया जब ये पता चला कि ये एक बिजनेसमैन की बेटी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे स्कूल में सिर्फ सुखी परिवार के और बड़े घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। इनकी बच्ची का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता है। मतलब ये बच्ची टैलेंटेड है, होशियार है, इसमें पढ़ने की काबिलियत है, ये कोई मायने नहीं रखता। जस्ट बिकॉज ये बड़े घर की नहीं है, बिजनेसमैन की बेटी नहीं है, इसलिए आपने मना कर दिया? हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टर जो भी है आपका नाम, हमें ये अधिकार है कि हम हमारी स्कूल में किसे एडमिशन दे और किसे ना दे। अरे एडमिशन तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना कल के हमारे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी सरस्वती के मंदिर में अमीर गरीब का भेदभाव। जिसे लोग सरस्वती का मंदिर कहते हैं वहां पे सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ सकते, ये भेदभाव क्यों? क्या अमीर घर के बच्चे गरीब घर के बच्चों से अलग होते हैं? आपके पीछे दीवार पे सुविचार लिखा हुआ है, आचार्य देवो भव। इसका मतलब भी जानते हैं आप? जहां पे आप जैसे आचार्य हो वहां पे तो कल्याण ही कल्याण। अरे इतने बड़े पद पर बैठे हैं आप लोग, लेकिन कितनी छोटी सोच है आप लोगों की। तो? अरे स्कूल में सारे विद्यार्थी एक जैसे कपड़े पहनकर इसलिए आते हैं ताकि किसी में कोई भेदभाव ना हो, लेकिन आप जैसे लोग उन्हीं बच्चों में ऊंच नीच का भेदभाव करते हो। अरे ऐसा भेदभाव करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कहते हैं विद्या सर्वत्र पूज्यन्ते, सभी जगह विद्या की पूजा होती है, लेकिन आपके स्कूल में विद्या की पूजा नहीं, उसका अपमान होता है, भेदभाव होता है। ये लोग बड़े घर के नहीं है ये दिखता है आपको, लेकिन ये बिचारी बच्ची इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, ये नहीं दिखता आप लोगों को। अरे ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन देकर आपके स्कूल का नाम नीचा नहीं बल्कि और ऊंचा होगा।
देखिए, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी तरह विद्यार्थियों में मैं भेदभाव नहीं करता। माफ करना, लेकिन आपको शिक्षक कहते हुए मुझे शर्म आती है, क्योंकि आप शिक्षा नहीं देते, आप शिक्षा का व्यापार करते। बस बहुत सुन लिया हमने, आप इस टेम्पो वाले की बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए बहरूपिया बनकर आए। आपने हमें धोखा दिया है, आप धोखेबाज है। हम अभी पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। हाँ, अंदर करवा देंगे हम आप सबको। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं पुलिस में कंप्लेन करने की, हम ही कर देंगे। क्या? लेकिन उसके पहले भिड़े, जरा अपना मोबाइल दिखा इनको। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। क्या है, आप जो कब से बोल रहे हैं ना कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम लोग सिर्फ अमीर घर के बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, छोटे लोगों को, मिडिल क्लास वालों को हम लोग एडमिशन नहीं देते वगैरह वगैरह, सब इसमें कब से रिकॉर्ड हो ही रहा है। अरे देवा, रिकॉर्डिंग का बटन तो ऑन ही नहीं किया। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से आपका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा। मेरे अखबार, टीवी, न्यूज और सोशल मीडिया के जरिए आपका कारनामा घर घर में देखा जाएगा। आप तीनों सलाखों के पीछे होंगे और चक्की पीसेंगे, चक्की। और देखना कैसे आपके स्कूल की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ती हैं। कंट्रोल भिड़े, कंट्रोल, डोंट पैनिक। तुमने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया, ये तुमको मालूम है, सामने वालों को नहीं मालूम। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, टेंशन मत ले। सोचिए अगर ये वीडियो न्यूज में आ गया तो क्या होगा आप लोगों का? होगा क्या, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ये लोग। आपके स्कूल का जितना बड़ा नाम है ना, उतनी बदनामी होगी, कोई आपके स्कूल की तरफ देखेगा भी नहीं। और ये नेक काम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार करेगा, ये मेरा वादा है। आपने इस छोटी सी बच्ची को एडमिशन ना देके माँ सरस्वती का अपमान किया है। अरे मैं तो कहता हूँ आप जैसे लोगों को तो ऐसे बड़े पद पर बैठने का कोई अधिकार ही नहीं। हम देख लेना, कल ये तन्वी तो ये स्कूल में जरूर होगी, लेकिन आप लोग ये स्कूल में नहीं हो। तन्वी का इसी स्कूल में एडमिशन होगा और ये यहीं पढ़ेगी। अंकल, अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों बेटा? मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, हम सब एक समान है, पर यहाँ तो छोटे और बड़े का भेद है। मुझे ये सब नहीं सीखना। पोपट अंकल, आप ये वीडियो टीवी पर मत दिखाना और अखबार पे भी मत छापना, क्योंकि ये बात यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को पता चली तो उनके टीचर्स के लिए उनके रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहती। क्या बात है बेटा? चलिए अंकल। वाह बेटा वाह, देखा इसके विचार। अरे आप लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। चल बेटा। दोस्तों ये क्या हो गया, जिस तन्वी के स्कूल में एडमिशन के लिए गोकुलधाम निवासियों ने इतना परिश्रम किया, उसी तन्वी ने स्कूल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। एक सपना जो पूरा होने जा रहा था वो पूरा होने से पहले ही टूट गया। लेकिन क्या करें साहब, आजकल के बच्चे सब समझते हैं, सही गलत, सच झूठ, ऊंच नीच, सबका भेदभाव उन्हें पता होता है। इसलिए स्कूल में जो इनके साथ हुआ उसकी ये प्रतिक्रिया आना तो स्वाभाविक था। लेकिन गरीब के दिल की हाय कभी आवाज नहीं करती साहब। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खा ली जाए, मरे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, क्या गोकुलधाम निवासी तन्वी को समझा पाते हैं या बिना एडमिशन के ही वापस लौट आएंगे। अब आगे क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी होगा वो आपकी जिंदगी में ढाके जरूर लेके आएगा। लेकिन मित्रों
आप क्या चाहते हैं, क्या तन्वी का एडमिशन हो? लेकिन कैसे होगा ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप हंसते हंसाते देखेंगे उस कार्यक्रम को जो आपका परिवार का सदस्य बन गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।